दोस्तों, वैसे तो पूरी दुनिया एक से बढ़कर एक अजूबों, चमत्कारों, पर्यटक स्थलों, पहाड़ों, प्राकृतिक सुंदरता और समुद्र तटों से भरा हुआ है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी इस पृथ्वी पर आकर्षक पर्यटक स्थलों के साथ साथ कुछ ऐसी भूतियां और डरावनी जगहें भी हैं जहां पर्यटक तो क्या, स्थानीय लोगों भी जाने से डरते हैं और इन जगहों से खौफ खाते हैं। दुनिया की सबसे भूतिया जगहों के आसपास भटकना भी मौत के मुंह में जाने के बराबर माना जाता है। कई साहसी लोगों ने इन जगहों पर जानकर प्रयास भी किया, जिनमें से कुछ लोग तो अपनी जान बचाकर वापस आ गए, लेकिन कुछ लोग भी ऐसे रहे जिनका उन जगहों पर जाने के बाद आज भी पता नहीं चला। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जगहें कितनी भयानक, खतरनाक और डरावनी हो सकती हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि ये जगह पर्यटकों के लिए बंद हो गई हो, बहादुर दिल पर्यटक इन जगहों पर जाना पसंद भी करते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कैपुचिन मैमीज। इटली दुनिया के प्राचीनतम देशों में से एक है। यही वजह है कि प्राचीन इटली निवासियों की परंपराएं जितनी पुरानी हैं, इससे कहीं ज्यादा ये तत्कालीन समाज में व्याप्त रहस्यमयी और अविश्वसनीय मान्यताओं को भी बयां करती है। इटली के सिसिली नगर में कैपुचिन कैटकॉम्ब नामक एक ऐसा कब्रिस्तान है जहां शवों को दफनाया नहीं जाता था, बल्कि उनकी मम्मी बनाकर दीवारों पर लटका दिया जाता था। शवों पर ऐसे रासायनिक पदार्थ लगा दिए जाते थे जिसके कारण वो ना तो खराब होते हैं और ना ही दुर्गंध छोड़ते हैं। दुनिया को अपना खूनी और वहशी करामात दिखाने को आतुर थे डेविल। जानिए कैसे रोका दुनिया भर के देशों ने मिलकर इसे 1599 में ब्रदर सिल्वेस्ट्रो ऑफ गुबियो की मम्मी बनाने के साथ ये सिलसिला शुरू हुआ था। स्पाइरल स्केलेटल ब्यूरल। मैक्सिकन पुरातत्वविदों ने 2400 साल पुराने एक दफन स्थल की खोज की है, जिसमें 10 कंकालों को सावधानी पूर्वक गोलाकार रूप में रखा गया था और उनके शरीर के अंगों को आपस में जोड़ा गया था। शोधकर्ताओं ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा है जो पहले से अज्ञात कर्म कांडों की ओर इशारा करते हैं। ये अविश्वसनीय खोज मेक्सिको सिटी के दक्षिण में एक शहर तल्लपन के केंद्र के पास की गई थी। इस कब्र से जुड़े प्राचीन गांव को 2006 में खोजा गया था और मेक्सिको के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड हिस्ट्री के पुरातत्वविद तब से इसके आसपास और इसके आसपास खुदाई कर रहे हैं। कैनियन बरियल मूंड। पूर्वी अफ्रीका में चरवाहे 5000 साल पहले शांतिपूर्ण समुदायों में रहते थे, जिन्होंने सामाजिक पदानुक्रमों को त्याग दिया, गहन संचार किया और बड़े पैमाने पर कब्रिस्तान बनाने के लिए मिलकर काम किया। पुरातत्वविदों के नए शोध से पता चला है कि पुरातत्वविदों ने मेगालिथ द्वारा चिन्हित 30 मीटर व्यास वाले एक मंच की खोज की। इसके केंद्र में एक बड़ी गुफा थी जहां कम से कम 580 व्यक्तियों के अवशेष एक साथ रखे गए थे। हालांकि अब तक इसका सबूत नहीं मिल पाया कि ये अवशेष कहां से आए और कैसे आए, और फिलहाल तो इस पर जांच पड़ताल जारी है, लेकिन ये भी एक रहस्य बना हुआ है। पेरुवियन सैक्रिफिशियल टनल। अब अंत में हम आपको एक और ऐसे ही हैरान कर देने वाले राह में इतिहास से रूबरू करवाते हैं। दरअसल पेरू की राजधानी लीमा के उत्तरी तटीय शहर हुआंचको के पास 5 से 14 साल की उम्र के 227 पीड़ितों के शव मिले। माना जाता है कि यहाँ पर 500 साल पहले बच्चों की बलि दी गई थी, जो अब तक यहाँ मौजूद हैं और उनके अवशेष आज भी रहस्य बने हुए हैं। इसके पीछे का कारण अभी भी मालूम नहीं पड़ा कि आखिर इन बच्चों को क्यों बलि दी जाती रही थी। ये खोज बमुश्किल एक साल बाद हुई है, जब देश में दो अन्य स्थलों पर मानव बलि के शिकार 200 बच्चे पाए गए थे। पुरातत्वविदों ने समाचार एजेंसी को बताया कि इस नवीनतम संग्रह के कुछ शवों में अभी भी बाल और त्वचा थी जब उन्हें खोदा गया था। बच्चे गीले मौसम के दौरान मारे जाने के लक्षण दिखाते हैं और उन्हें समुद्र के सामने दफनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।